लो टूट गई यूपी के लड़कों की जोड़ी, अखिलेश राहुल की दोस्ती में पड़ी दरार, यूपी की दो सीटों के लिए छिड़ी जंग, क्या भाजपा करेगी आग में घी डालने का काम। नमस्कार, स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। सपा मुखिया अखिलेश यादव और कांग्रेस नेता राहुल गांधी की दोस्ती से तो हर कोई वाकिफ है। यूपी में इन दोनों लड़कों की जोड़ी ने लोकसभा चुनाव में मिलकर तो गर्दा ही उड़ा दिया था, जिसके चलते बीजेपी भी बैकफुट पर आ गई थी। लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव और राहुल गांधी की बनी सियासी जोड़ी उत्तर प्रदेश में हिट रही है, जिसके चलते ही बीजेपी बहुमत का आंकड़ा हासिल नहीं कर सकी और मोदी सरकार को सहयोगी दलों के समर्थन से सरकार बनानी पड़ी। चुनाव नतीजे आने के बाद से बीजेपी के बड़े नेता लगातार कांग्रेस और सपा गठबंधन के बिखरने की भविष्यवाणी कर रहे हैं, जो शायद अब सच होती दिख रही है। जी हां, जम्मू कश्मीर से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और सपा सांसद अखिलेश यादव के एक साथ बैठने की फोटो सामने आई है। इस फोटो को लेकर कई सवाल भी खड़े हो गए हैं। चुनावी माहौल में ये सवाल पूछा जा रहा है कि क्या इन दोनों नेताओं का साथ आगे भी बना रहेगा या फिर यूपी वाला पेच इस दोस्ती में दरार डाल सकेगा। गठबंधन धर्म निभाने की जिम्मेदारी कांग्रेस की या फिर समाजवादी पार्टी की, क्योंकि हरियाणा चुनाव के बाद अखिलेश यादव यूपी की 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर बड़ी मजबूती से अपने कार्ड खेल रहे हैं। उन्होंने गठबंधन की जिम्मेदारी बड़ी चालाकी से कांग्रेस कैंप पर छोड़ दी है। अखिलेश यादव ने इस बार कांग्रेस के साथ मिलकर उपचुनाव लड़ने का फैसला किया है। यूपी में विधानसभा की 9 सीटों पर 13 नवंबर को चुनाव होगा। समाजवादी पार्टी पहले ही 6 सीटों पर अपने उम्मीदवार की घोषणा कर चुकी है। वही कांग्रेस पार्टी की डिमांड 5 सीटों की है। इनमें से 2 सीटों पर अखिलेश यादव टिकट भी फाइनल कर चुके हैं। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि अखिलेश राहुल की दोस्ती कितनी दूर तक जाएगी। दरअसल समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर बातचीत अगस्त से चल रही है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से 5 सीटों की डिमांड की गई है, जिसमें फूलपुर, मजवा, खैर, गाजियाबाद और मीरापुर सीट शामिल है। लेकिन अखिलेश यादव ये सीटें अपने पास ही रखना चाहते हैं। ऐसे में अब सीटों के बंटवारे को लेकर अखिलेश यादव ने गेंद राहुल गांधी के पाले में डाल दी है, जो दोनों के बीच दरार का काम करेगा। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।